सच साहस सरोकार। माँ कालेश्वर मंदिर को हिंदू अपने सबसे पवित्र स्थानों के रूप में मानते हैं। माँ शिवरात्रि और श्रावण महीने के दौरान देश के सभी हिस्सों से लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि परियोजनाओं के पूरा होने के बाद मंदिर परिषद का क्षेत्रफल 2.87 हेक्टेयर से बढ़कर 47 हेक्टेयर कर दिया जाएगा। परियोजना के दूसरे चरण का काम चल रहा है, जिसके चलते रुद्रसागर झील का कायाकल्प किया जा रहा है। उज्जैन, जो कि महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां भक्त अपनी मनोकामनाओं को लिए बाबा शिव के दर्शन को आते हैं, जहां स्वयं महाकाल विराजते हैं। वैसे तो महाकाल की नगरी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित है, जो कि महाकाल की नगरी को सुशोभित करती है। यहाँ लोग देश विदेश से ज्योतिर्लिंग के दर्शन को आते हैं। इसी महाकाल नगरी को और भी सुशोभित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन शहर में महाकाल लोक कॉरिडोर के प्रथम चरण का उद्घाटन किया, जो कि करीब 856 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक 900 मीटर से अधिक लंबा महाकाल लोक कॉरिडोर पुरानी रुद्र सागर झील के चारों ओर फैला हुआ है। ऐसे में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आसपास के क्षेत्र में पुनर्विकास की परियोजना के चलते रुद्र सागर झील को भी पुनर्विकसित किया गया। इसके अलावा महाकाल लोक के भव्य प्रवेश द्वार, जो कि नंदी द्वार के नाम से जाना जाता है, इसके नीचे मोली यानी कि पवित्र धागों से ढका हुआ एक बड़े आकार का शिवलिंग रखा गया। प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर मेगा कॉरिडोर का प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग का अनावरण किया। इस कॉरिडोर के खुलने के बाद से मध्य प्रदेश के इस पवित्र स्थान में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि यहां 108 स्तंभ बनाए गए, जो कि बलुआ पत्थर से तैयार किए गए, जिसके शीर्ष पर त्रिशूल डिजाइन की गई और भगवान शिव की मुद्रा है। इसके अलावा यहाँ देवता की कलात्मक मूर्तियों के साथ साथ शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 53 प्रबुद्ध भित्ति चित्र भी हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि महाकाल लोक के उद्घाटन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई। वहीं पीएम ने अपने काफिले के साथ महाकालेश्वर मंदिर परिसर में पहुंचे और पूजा अर्चना, जिसके बाद वह नंदी द्वार पर गए और कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति भी दी, जिसमें कार्तिक मेला मैदान में हुए कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने विशेष गीतों से अपनी प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता। वहीं प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले ही उज्जैन नगरी को बड़ी संख्या में रंगीन झंडों से सजाया गया, जबकि कई सड़कों पर और फ्लाईओवरों को रोशनी से सजाया गया, जिसमें हरी फाटक फ्लाईओवर भी शामिल है, जो कि नए कॉरिडोर की वजह से सेल्फी पॉइंट बन गया। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच